प्रॉब्लम जी तू और किस दे रहे थे कि आने वाले टाइम में जैकी जसीटे जीतनी है तुम्हारे बाप का राज है जसीटे जीतोगे समाजवादी पार्टी जीतेगी जसीटे कोई नहीं सकता जिस तरह से मंडल में जैके जल सांसद बने इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में योगी और मोदी सुन ले कितनी बेईमानी करा लियो और कितने हथकंडे बना लियो लेकिन जो है मुरादाबाद जय की जय जीते देगा और समाजवादी पार्टी का झंडा ऊंचा करेगा। हम लोग विधानसभा में हैं, हमारे सामने हमारा मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो ठोक दो ठोक के देख। अब वक्त आ गया है, ये आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब किसान किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा और ना हम पीछे हटेंगे। आर पार की लड़ाई है, या तो मोदी तुम रहोगे या हिंदुस्तान में आजाद किसान रहेगा। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। हमारी पार्टी का समर्थन, हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसानों के सही नेता हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के असली वारिस जिनको माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं किसानों का नेता है। उन्होंने जब उनकी सरकारें आई तीनों बार किसान का पैसा गन्ने का बढ़ाने का काम किया और इन कमबख्तों की सरकार जितनी से आई है एक रुपया 3.5 साल की सरकार में गन्ने का नहीं बढ़ाया गया। गन्ने का पेमेंट नहीं, विकास नहीं, निधि तक ले ली, सांसदों की निधि ले ली, विधायकों की निधि ले ली, कितनी बेकार और बेहूदा सरकार इस पर चल रही है कि जो विकास सांसद और विधायक क्षेत्रों में अपने कराते वो निधि में वापस ले ली। आखिर करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, कब तक डंडे की सरकार चलाएंगे? ये अब डंडे की सरकार चलने वाली नहीं है। किसान जाग चुका है और ये किसान जब भी जागा है क्योंकि 85% आबादी जो है वो गांव की और किसानों की है और 85% किसान इस सरकार को उलट कर ही रहेगा। तो मोदी जी और योगी जी सुन लो, दोनों का वो हाल होने जा रहा है, तुम आज चुनाव करा लो, भले ही कितनी बेईमानी कर ली हो मगर उसके बाद ये किसान तुम्हें पलट के छोड़ेगा। उनके किसान ने जब जब भी लड़ाई ली है सरकारें पलटी है। आज पंजाब के डीजीपी जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया और ये कह के कर दिया कि मैं पहले किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, किसानों की समस्याओं के साथ हूँ, ये जितने यहाँ पर खड़े हैं ये भी किसानों के बेटे हैं, ये कोई और नहीं है, ये साहूकारों के जमींदारों की औलाद नहीं है, ये कोई बहुत बड़े क्या नाम उद्योगपतियों के बेटे नहीं है, ये भी सब किसानों के बेटे हैं, लेकिन मजबूरी है नौकरी करनी है। आज कितने जुल्म कर लें, कितनी ताकत दिखा लें और योगी से कमजोर मुख्यमंत्री तो कभी बना ही नहीं कोई। जब जब भी कोई मामला पड़ा है, जब जब भी कोई सामने ऐसी चुनौती आई है योगी के, हमेशा इस पुलिस के बल पे और डंडे के खाकी वर्दी के बल पे जो है इस सरकार को चलाने का काम किया है। हम डरने वाले नहीं है, अभी बहुत जोश बाकी है, बहुत धरने प्रदर्शन करे हैं, बहुत बार विधायक बने हैं, बहुत बार जनता से नुमाइंदगी की है, किसानों की लड़ाई लड़ी है जिसम का कोई हिस्सा साबुत नहीं है, ना लाठियों से हटे हैं पीछे। हमने किसान आंदोलन जो है तमाम फैक्ट्रियों में जाके मजावली बेल में किया, पसीने टूटी सब फटे, उंगलियां फटी, लेकिन हम लोग संघर्षी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा जब भी चाहे है, आज तक जब भी चाहे है, क्योंकि इस पार्टी का जो संरक्षक है माननीय मुलायम सिंह यादव, जो भी इस पार्टी के संरक्षक का नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव को मामूली हस्ती नहीं है, उनके नाम के पहले लगा हुआ है नेता,
और नेता आज तक ना राजीव गांधी के पीछे लगा, ना इंदिरा गांधी के पीछे लगा, ना योगी के पीछे लगा, ना जोगी के पीछे लगा, ना अटल बिहारी के पीछे लगा। अगर किसी के नाम के पहले नेता लगा हुआ है, उस शख्स का नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी का। हमेशा लड़ाई लड़ी है किसानों की, हमेशा किसानों के लिए। चौधरी चरण सिंह की अगर असली वारिस अगर कोई कहे जाने वाले हैं, सन 89 से लेकर और आज तक जब भी चौधरी साहब का पीछा क्या नाम है, जो भी नीतियां थी उनकी, वो हमेशा जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के हक में और वो ही नीति अपनाई और किसानों के साथ हर समय किसानों की बड़ाई की और उनका जो है पूरा सम्मान किया और किसानों को जो है उनकी वाजिब फसल का मूल्य दिलाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम सब लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, जबकि ये कार्यक्रम हमारा 7 तारीख से लगातार चल रहा है। हमारे जिले में बहुत शानदार हमारे जिलाध्यक्ष भाई जयवीर सिंह यादव जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे सांसद जी एसन साहब, विधायक और साथी हमारे अजय ग्राम साहब, भाई नवाब चांद साहब और बाकी सभी हमारे समाजवादी साथी जितने भी हैं, चाहे वो कोई पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है या कोई भी है, सब बराबरी के। समाजवाद का मतलब बराबरी, सब बराबर के हैं और सब पूरी इस लड़ाई में जो है किसानों के साथ है। हम यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि वो हम भी किसान हैं, ये सब भी किसान हैं। इस लड़ाई में कभी कोई पीछे नहीं रहेगा और बिल्कुल शाना बशाना हम लोग इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ आज खड़े हैं, क्योंकि हम खुद किसान हैं। और जिस तरह ये ठोकने की और ठोंकने की बात कर रहे हैं, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जालिम सरकार के जुल्म की एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। क्या जुल्म किया था आजम खान ने? क्या बकरी चुराई थी, या भैंस चुराई थी, या मुर्गी चुराई थी, जो 10.5 महीने से जेल की सलाखों के अंदर उनकी बीवी और उनका बेटा जो है आज इस जालिम सरकार के जुल्मों की जो है सजा भुगत रहा है। ये पाप किया था कि यूनिवर्सिटी बना ली थी माइनॉरिटी के लिए, कि यूनिवर्सिटी का बना ली जौहरी यूनिवर्सिटी, उस दिन से आजम खान को निशाना बना लिया इस सरकार ने। आज आजम खान साहब को जो है जेलों के अंदर डाल रखा है और यही नहीं, उनकी अहलिया बिचारी जो इस उम्र में जो वहां की रामपुर की विधायक है तंजीम फातिमा जी, उन सबको जो है जेलों की सलाखों के अंदर सीतापुर जेल में बंद कर रखा है। कब तक बंद करेंगे, कब तक जुल्म करेंगे? लेकिन अब हम लोग पीछे रहने वाले नहीं है, चाहे आजम खान के लिए प्रदर्शन करने पड़े, चाहे उनके बेटे के लिए प्रदर्शन करने पड़े, हम सीनों पर गोलियां खाएंगे, लेकिन आजम खान साहब को आप बाहर निकलवा करेंगे। हर तरह से हम लोग साथ हैं, पूरी समाजवादी पार्टी साथ है और हम लोग जिला मारवाद के जितने नेता है सारे के सारे और आवाम जो है जनता जो है वो आजम खान साहब के साथ है। अब इस जुल्म की जो है इनकी पाप की जो हंडिया है वो बिल्कुल पाप का घा जो है वो भरने जो भरने भर चुका है, उसको फूटने का टाइम आ गया है और हम सब लोग जो है किसानों के समर्थन में साथ है।